Good evening, everybody. I hope all of you are fine और आप लोग वीडियो देख रहे होंगे. बहुत सारा कमेंट्स मिला है और वो कमेंट्स काफ़ी इंस्पायरिंग है और ऐसा लगता है कि हम लोग सही डायरेक्शन में चल रहे हैं. रिस्पॉन्स जो छात्रों का मिल रहा है वो मेरे लिए काफ़ी इनकरेजिंग है और अगर इसी तरह का रिस्पॉन्स मिलता रहा और आप लोग लगातार ये वीडियो देखते रहे और एक रजिस्टर बना के, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप सारी चीज़ों को नोट डाउन करते जा रहे हैं देन यू विल हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल और यू कैन मेक अ वेरी क्लियर कंसेप्ट अबाउट द रूल्स ऑफ ग्रामर. आज जो हमारी चर्चा हो रही है, पिछली चर्चा को कनेक्ट कर रहे हैं हम, नाउन एंड नंबर. दिस टॉपिक विल बी कंटिन्यूड टूडे ऑल्सो और शायद दो या तीन और वीडियोस नाउन और नंबर पर आएंगे. देयर आफ्टर एक एक्सरसाइज आएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न होंगे, उनका सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा. प्रश्न बताया जाएगा, फिर उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा. तो आज हम मेन टॉपिक पर आते हैं जो चल रहा है, दैट इज नाउन एंड नंबर. आप लोग नाउन के बारे में जान चुके हैं, उसका डिफिनेशन बताया जा चुका है. नंबर के बारे में भी आपको बताया जा चुका है कि ये नंबर तीन पार्ट्स ऑफ ए स्पीच से रिलेटेड है, नाउन से, प्रोनाउन से और वर्ब से. और नंबर का मतलब इंग्लिश व्याकरण में सिंगुलर और प्लुरल नंबर होता है. तो अभी जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा, दैट विल बी परहैप्स द 11th पॉइंट. इसमें बताया जा रहा था कि डिक्शनरी फॉर्म में नाउन मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगुलर होता है और अगर उसका प्लुरल फॉर्मेशन हमें करना है, अर्थात उसका प्लुरल यूज करना है, तो हमें उसके फॉर्म में कुछ चेंजेज लाने होते हैं. उन चेंजेज की बात हो रही है और वो चेंज्ड फॉर्म में प्लुरल नाउन के रूप में प्रयुक्त होगा. तो अभी तक 10 पॉइंट इसमें आप लोगों को डिस्कस किया जा चुका है. आज का पहला और कुल 11th पॉइंट ये है ओ एंडिंग नाउन्स, मतलब ऐसा नाउन जिसके अंत में ओ आया हुआ हो, ओ लेटर से समाप्त होने वाला नाउन. फॉर्म देयर प्लुरल फॉर्म in two ways. ये दो तरह से अपना प्लुरल फॉर्म बनाता है. ओ एंडिंग जो भी नाउन है, ऑफ कोर्स इट विल बी काउंटेबल नाउन बिकॉज वी टॉक ऑफ सिंगुलर और प्लुरल नंबर इन कंटेक्स्ट ऑफ काउंटेबल नाउन ओनली. तो ये काउंटेबल नाउन होगा. अब उसके अंत में ओ आया हुआ है, तो मैंने कहा
कि इसका प्लुरल फॉर्मेशन का दो तरीका होगा। वो पहला होगा ए दी ओ एंडिंग नाउंस इन विच ओ इज प्रीसीडेड बाय ए वॉवेल लेटर। ध्यान से देखिए इसको, ओ एंडिंग नाउन है लेकिन उसके जो अंत में ओ आया हुआ है उस ओ के पहले प्रीसीड, कल भी बताया गया था आप लोगों को प्रीसीड का मतलब होता है पहले आना, तो उस ओ के पहले अगर कोई वॉवेल लेटर आया हुआ है, इट शुड बी क्लियर, अंत में ओ आया हुआ हो और उस ओ के पहले कोई वॉवेल लेटर आया हुआ हो तो क्या होगा, बाई ए वॉवेल लेटर फॉर्म देयर प्लुरल बाय टेकिंग ओनली एस आफ्टर ओ। ये कैसे अपना प्लुरल फॉर्मेशन करेगा, कंडीशन क्या है, एक नाउन है जो नाउन ओ एंडिंग है अर्थात उसका लास्ट लेटर ओ है और उस ओ के पहले कोई वॉवेल लेटर आया हुआ हो, जैसे हम कहें वीडियो, वेरी कॉमन वर्ड इज दिस वीडियो। क्या है इस लेटर में सिचुएशन, ये ओ एंडिंग है बट इस ओ क्या के जस्ट पहले जो प्रीसीडिंग लेटर है वो लेटर है ई और ई इज ए वॉवेल, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इसका प्लुरल फॉर्मेशन जो होगा वो वीडियो एस, सिर्फ एस होगा, फोलियो ओ एंडिंग लेटर है वर्ड है इसमें अंत में ओ आया हुआ है इसके बट इस ओ के पहले जो लेटर आया हुआ है प्रीसीडिंग लेटर दैट इज आई, आई इज ए वॉवेल, यू नो ये बातें बताई जा चुकी हैं कि आई जो है वो एक वॉवेल है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इसमें एफ ओ एल आई ओ एस ये हम करेंगे। उसके बाद रेडियो, ये सारे बहुत कॉमन शब्द हैं, रेडियो ओ ओ एंडिंग है इसके ओ के जस्ट पहले प्रीसीड कर रहा है आई विच इज ए वॉवेल लेटर देयरफॉर इट्स प्लुरल विल बी रेडियोज, इट इज क्लियर।
नाउ सेकेंड कंडीशन क्या होगा? कंडीशन बी होगा, वो क्या होगा कि ओ एंडिंग नाउन इन विच ए कंसोनेंट लेटर प्रीसीड्स ओ, मतलब ये दूसरा कंडीशन होगा। दो तरह के लेटर्स होते हैं, कंसोनेंट और वॉवेल, ये भी बताया जा चुका है आप लोगों को। तो ओ एंडिंग वर्ड में ओ के जस्ट पहले अगर कोई वॉवेल लेटर आता है तो हम सिर्फ एस लगा के उसका प्लुरल बनाते हैं। ओ एंडिंग वर्ड में अगर ओ के जस्ट पहले कोई कंसोनेंट लेटर प्रीसीड करता है तो क्या करते हैं हम, प्रीसीड्स ओ वी फॉर्म इट्स प्लुरल बाई एडिंग ES। काफी सिंपल चीज है ये, हम सिर्फ ES का प्रयोग करके उसका प्लुरल फॉर्मेशन करते हैं, उसमें हम ES का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें पोटैटो, टोमेटो, देखिए क्या सिचुएशन है यहां पर। ये ओ एंडिंग वर्ड है, नाउन है, इस ओ के जस्ट पहले प्रीसीड करने वाला जो लेटर है वो लेटर है कंसोनेंट लेटर टी। तो इसका प्लुरल जब हम बनाते हैं तो पोटैटोज, इसका प्लुरल बनाते हैं तो टोमेटोज। अब जरा एक रीजन जान लीजिए कि क्या कारण है कि ओ एंडिंग ऐसा शब्द, ऐसा नाउन जो ओ एंडिंग हो और उसमें वॉवेल प्रोसीड करता है तो हम वहां सिर्फ एस क्यों देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि जैसे वो एक शब्द जो आया था फोलियो, ओ एंडिंग शब्द है, ये ओ को प्रीसीड कर रहा है एक वॉवेल आई। अब इसमें हम सिर्फ एस देते हैं, क्यों? वो इसलिए देते हैं क्योंकि अगर हम इसमें एफ ओ एल आई ओ ई एस लिखें तो क्या होगा, इसमें क्या दिक्कत हो जाएगी? वो दिक्कत यह हो जाएगी कि इसमें तीन वॉवेल एक साथ आएगा जो परमिसिबल नहीं है। कोई भी ऐसा शब्द अंग्रेजी का नहीं है जिसमें तीन वॉवेल एक साथ आ सकता हो। तो यही कारण है कि जो ओ एंडिंग वर्ड्स होते हैं और जिनमें ओ को प्रीसीड करता है कोई वॉवेल तो वहां पर सिर्फ हम एस देके उसका प्लुरल बनाते हैं, जबकि कंसोनेंट एंडिंग ओ एंडिंग नाउन जिसमें ओ को प्रीसीड करता हो, ओ के जस्ट पहले कोई
कंसोनेंट लेटर आया हो तो वैसी स्थिति में हम ES का प्रयोग करते हैं उसका प्लुरल बनाने के लिए। आई थिंक इट इज क्लियर, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ एक थर्ड वैरायटी है ओ एंडिंग में, वो ड्यूअल कैरेक्टर वाला है। ड्यूअल कैरेक्टर का मतलब हुआ दोहरा चरित्र वाला, वो उसको आप सी करके चलिए। सी एक थर्ड कंडीशन है ओ एंडिंग वर्ड्स के साथ, और ये क्या है कि सम ऑफ, इनको ये ज्यादा खतरनाक है, इनके बारे में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है या कॉन्फिडेंट रहने की आवश्यकता है कि आई नो कि इसके साथ क्या होने जा रहा है। वो आप देखिए, सम ऑफ दी ओ एंडिंग नाउंस मे फॉर्म इट्स प्लुरल फॉर्म, by taking either S or ES at their end। ये तीसरी बात बताई जा रही है आपको, स्पष्ट रूप से कर दिया गया। पहली स्थिति ओ एंडिंग नाउन हो, उस ओ को प्रिसीड करता हो कोई भावेल, उसके जस्ट पहले कोई भावेल आ रहा हो, तो वैसी स्थिति में हम सिर्फ एस का प्रयोग करके उसका प्लुरल फॉर्मेशन करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम ES लगाएंगे तो वहां पर ट्रिपल आर्टिकल हो जाएगा जो परमिसिबल नहीं है। तो अब दूसरी स्थिति यह होती है कि ओ एंडिंग नाउन है और उस ओ के जस्ट पहले, मतलब उसका प्रीसीडिंग लेटर एक कंसोनेंट लेटर है, तो उस कंसोनेंट लेटर अगर वो उसके जस्ट पहले कोई कंसोनेंट लेटर है तो इन दैट केस वी जनरली फॉर्म इट्स प्लुरल बाय एडिंग ई एस एट इट्स एंड। Now this is the third variety of co-ending nouns। कि इनके ये खतरनाक हैं, इनके साथ हम कोई जिद करके नहीं चलेंगे कि नहीं हम इनके साथ S का ही प्रयोग करेंगे या हम ES का ही प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं है। ये dual character वाले होते हैं, ये दोनों का प्रयोग अपने साथ ले सकते हैं अपना प्लुरल फॉर्मेशन के लिए। इसमें एक शब्द है मॉस्किटो, मॉस्किटो मच्छर, बहुत खतरनाक प्राणी होता है ये मॉस्किटो। इसका अब स्थिति देखिए क्या है, ओ एंडिंग है और इस ओ के जस्ट पहले प्रीसीड कर रहा है टी। टी इज ए कंसोनेंट लेटर, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट अबाउट इट। तो जो अब तक आपको दो रूल बताया गया है कि कंसोनेंट प्रीसीड करेगा अगर कोई कंसोनेंट लेटर आएगा अगर ओ के जस्ट पहले, तो हम उसका प्लुरल फॉर्मेशन करते हैं ES लगाकर। According to that rule, हम उस रूल को अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो क्या होगा, M O S Q U I T O then ES। हम उस रूल को फॉलो कर रहे हैं जिसमें यह कहा गया कि अगर O ending वर्ड है और उसमें O को प्रीसीड करता है
कोई कंसोनेंट, तो वैसी स्थिति में हम उसमें ES लगा के उसका प्लुरल फॉर्मेशन करते हैं। ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका प्लुरल फॉर्म है। बट एट द सेम टाइम इसका प्लुरल फॉर्म मॉस्क्वीटो, केवल S लगा के भी इसका प्लुरल फॉर्मेशन किया जा सकता है। दूसरा एक शब्द है जीरो। देखिए ओ एंडिंग है, इस ओ के जस्ट पहले प्रिसीड कर रहा है आर, आर कंसोनेंट लेटर है। यस, तो कंसोनेंट लेटर है तो अकॉर्डिंग टू द गिवन रूल क्या होना चाहिए, जेड ई आर ओ ई एस, बिल्कुल सही है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओ एंडिंग नाउन उसको प्रिसीड कर रहा है कोई कंसोनेंट, तो ऐसी स्थिति में हम उसका प्लुरल फॉर्मेशन ES लगाकर करते हैं। लेकिन ये डुअल कैरेक्टर वाला है, इसमें इसका प्लुरल ZERO S भी होगा, वो भी सही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए एक और इसकी वैरायटी, ये चौथी वैरायटी ओ एंडिंग वर्ड्स की, मतलब डी। कि सम ऑफ दी ओ एंडिंग नाउंस preceded by a consonant letter do not take ES to form their plural, rather they take only S for this purpose. देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये चौथी वैरायटी बताई गई। आपको कहा गया कि ओ एंडिंग वर्ड हो और ओ को प्रिसीड करता हो कोई कंसोनेंट, तो वैसी स्थिति में उसका प्लुरल फॉर्मेशन एज ए रूल हम ये करते हैं कि उसके लास्ट में ES जोड़ देते हैं, वो प्लुरल फॉर्म उसका बन जाता है। लेकिन यहां पर हम कह रहे हैं कि कुछ नाउन जो है इस रूल को फॉलो नहीं करता है, वो ओ एंडिंग भी होगा और उसमें ओ को प्रिसीड एक कंसोनेंट लेटर भी करेगा, तो एज ए जनरल रूल उसको ES लेके अपना प्लुरल फॉर्मेशन करना चाहिए। बट That does not happen. वो क्या करता है, वो ES लेके प्लुरल फॉर्मेशन नहीं करता है, बल्कि सिर्फ S लेकर के
अपना वो प्लुरल फॉर्मेशन करता है, जैसे ऑटो, ए यू टी ओ, ऑटो जानते हैं, ऑटोमोबाइल इससे बनता है, ऑटोमोबाइल, ऑटो का मतलब होता है खुद ब खुद काम करने वाला, वो ऑटोमोबाइल भी हो सकता है, ऑटोमेटिक भी हो सकता है, ऑटोमेटिक राइफल, ऑटोमेटिक घड़ी, जो अपने से चले, ऑटोमोबाइल जो अपने से चले, ऑटो खुद स्वयं पर, तो ये ऑटो शब्द है। अब इसमें ये क्या है, ओ एंडिंग है, देयरफॉर एज पर रूल व्हाट शुड हैव बीन डन, एक कंसोनेंट प्रीसीडिंग है इसमें, तो इसको होना चाहिए था ए यू टी ओ ई एस, बट अगर ऐसा आप करते हैं तो इट विल बी रॉन्ग, इट विल बी इनकरेक्ट। ये एक्सेप्शन है, इस पर ध्यान देना है, ये क्या होगा, इसका प्लुरल होगा ए यू टी ओ एस, दिस विल बी इट्स प्लुरल फॉर्म।